भाई लोग गुज्जू हिस्टोरिकल मैन चैनल पर क्राइम स्टोरी दिखाने का मतलब किसी अपराधी अपराधियों को बढ़ावा देना ना है। अपुन का एक किच फंडा है, लोगों तक सही जानकारी पहुंचे। अपुन को 420 के वोल्ट का सपोर्ट देने के लिए अपने सभी भाई लोग का दिल से शुक्रिया। कैम चो मजामा भाई लोग, आज की क्राइम स्टोरी में अपुन एक ऐसे गैंगस्टर की कहानी सुनाएगा जो दिल्ली और आसपास की सबसे पुरानी गैंग वॉर या यूं कहें दिल्ली की शुरुआती गैंग वॉर का एक हिस्सा था। दादा का नाम है मंजीत महल, बोले तो सबसे सीनियर गैंगस्टर, एकदम ही सियाना गैंगस्टर और दिमाग से एकदम ही फायर। यही वजह है कि गैंगस्टरी में रहते हुए आज भी जिंदा है, वरना अपराधियों का एक सच है, इन लोगों को लंबी उम्र ना मिलती, क्योंकि पुलिस लोग की गोली या दुश्मन की गोली इनका भूंगी बजा डालती। भाई लोग, दिल्ली के दो गांव टिचाओं कल्ला और मित्राओं जहां से दिल्ली गेंगूर की शुरुआत हुई, ये दादा मंजीत महल इसी मित्राओं गांव का रहने वाला है। 90 के दशक में टिचाओं कल्ला और मित्राओं के किशन पहलवान और बलराज ने गेंगूर का आगाज किया। वही टाइम पे मित्राओं गांव का एक लौंडा इन्हीं भाव लोग की तरह ख्वाब देख रहे ला, वहां और कोई नहीं मंजीत महल ही था। और देखते देखते उसने बलराज के छोटे भाई अनूप पहलवान की गैंग ज्वाइन कर ली। साल 1997 में जब बलराज, अनूप पहलवान और संपूर्ण ने कपिल गहलोत के पिता बलवान सिंह पर धावा बोला, तब मंजीत महल भी इसमें शामिल था। 1998 में कपिल गहलोत ने बलराज का पत्ता काट डाला, गैंग की कमान संभाली छोटे भाई अनूप पहलवान ने, मगर अब तक मंजीत महल अनूप पहलवान का जिगरी हो गया। अब भाई की मौत का बदला लेना था, अनूप पहलवान ने भी तगड़ा वाला प्लानिंग किया। अनूप पहलवान, मंजीत महल और उसके पंटरों ने ऐसा भोगाल मचाया, बोले तो एकदम ही खल्लास। 21 दिन में कपिल गहलोत के पिता बलवान सिंह और कृष्ण पहलवान के 6 रिश्तेदारों को मौत के घाट उतार डाला। साल था 2003 का, कृष्ण पहलवान को एक बड़ा सा कांड करना मंग था। महावीर डॉन, गोला लाडगुरिया समेत कई छोकरे लोग को एक मॉन्स्टर का शिकार करने भेजा। उस दिन रोहतक कोर्ट में अनूप पहलवान की पेशी थी, मगर पुलिस कस्टडी में ऐसी गोलियों की बौछार हुए ली कि अक्का कोट शमशान, कई पुलिस वाले शहीद हो गए, साथ में अनूप पहलवान भी लुढ़क गए। अनूप की मौत के बाद मंजीत महल ने गैंग की कमान संभाली। अब मंजीत महल खुद बॉस था, गैंग को पावरफुल बनाने के वास्ते कई गैर कानूनी धंधों में उतर आया, जहां से पैसों की बौछार हुए ली, वहीं दिल्ली के कई गैंगस्टरों से सेकेंड भी किया। अब रंगदारी, जमीन कब्जा, सट्टे का धंधा फुलटू फटाक चल रहेला। कहा जाता है कि बवाना के गैंगस्टर राजेश बवाना से मंजीत महल की खूबी आ रही थी, मगर किसी अनबन के चलते मंजीत महल ने राजेश बवाना के राइट हैंड बोले तो रिंकू अलीपुर वाला को टपका दिया, जिसके चलते दोनों के बीच दुश्मनी की कगार खड़ी हो गई। मगर अब समय बदल चुका था, दिल्ली के कई छोकरे लोग गैंगस्टरी में उतर चुके थे, जिनके पास दिमाग भी था और गर्म खून भी। विकास लागरपुरिया, धीरपाल काना, ज्योति बाबा जैसे नए छोकरे लोग मुंबई अंडरवर्ल्ड की तरह दाऊद की स्टाइल में क्राइम की दुनिया में तेजी से आगे बढ़ने में बिलीव करते थे, जिसके चलते अब माहौल यह था कि हर गली में गुंडे मवाली थे जो हफ्ता वसूली, जमीन कब्जा जैसे काम करने लगे थे। अब मंजीत महल और विकास लागरपुरिया की दुश्मनी हो गई। विकास ने ज्योति बाबा और धीरपाल खाना के साथ मिलकर मंजीत के पंटर बोले तो दिनेश दलाल उर्फ कपचू को ठोक डाला। अब वार होएगा मंजीत महल का। वीडियो अपुन से कपिल सांगवान के वीडियो में कुछ गलतियां रह गई, वो भी इधर ही क्लियर हो जाएंगी। साल था 2016 का, उस रात मंजीत महल अपने पंटर प्रदीप सोलंकी और अशोक मित्राओं के साथ नफे सिंह उर्फ मंत्री के प्लॉट पर आया। धर्मेंद्र माडू निवासी शिकारपुर भी वोइच मौजूद था, एकदम ही रावस पार्टी चल रही। वोइच टाइम पे एक और शराब पार्टी दिनपुर इलाके में हो रही। सट्टेबाजी का उस्ताद दिनपुर निवासी सूरज बान उर्फ बबलू और सुरखपुर में रहने वाला सुनील उर्फ डॉक्टर उसमें शामिल थे। ये सुनील विकास लागरपुरिया का जिगरी था। कुछ ही दिनों पहले सूरज बान ने नफे के घर दो छोकरे लोग भेजे, क्योंकि सूरज बान को 1.5 लाख लेने थे नफे से। उस रात जब नब्बे के प्लॉट पर पार्टी चल रही थी, तभी नब्बे के मुंह से 1.5 लाख वाली बात निकल गई जब मंजीत ने सुनी। मंजीत ने बोला, अपुन को भी 5 लाख सूरजबान से लेने हैं, साले ने अभी तक ना दिए। तब मंजीत ने सूरजबान को फोन लगाया
और बोला 90 के 1.5 लाख बात करके अपुन के 3.5 लाख अभी के अभी भेजना मांगता, वरना अपुन तेरा पुंगी बजा डालेगा। ये बातचीत के दौरान सूरज बान के मुंह से निकल गया कि सुनील अपुन के घर पे है। तभी मंजीत माल के दिमाग का घंटी बजा, क्योंकि गपचुप की मौत का बदला लेना था। मंजीत माल अपने झोकरे लोग के साथ सूरज बान के घर पहुंच गया, ठोक डाला सुनील को। मगर मंजीत यह भूल गया कि सुनील रिश्ते में कपिल सांगवान और ज्योति बाबा का चीज़ा है। फिर जो कपिल सांगवान ने तांडव मचाया, कई परिवारों को काट डाला, जिसका अपुन ने कपिल सांगवान के वीडियो में जिक्र किया। वही मार्च 2015 में मंजीत माल ने किशन पहलवान के भाई और पूर्व विधायक भरत सिंह को ठोक डाला था। कुल मिलाकर मंजीत माल के मत थे 28 आपराधिक धाराएं लगी, जिसके चलते दिल्ली पुलिस ने दिसंबर 2016 में मंजीत माल को उठा लिया और आज भी मामा जेल से अपनी गैंग्स को ऑपरेट कर रहे ला। तो ये थी मंजीत माल की कहानी। चलो इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर।